सो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अभी सुबह 9 बज रहा है और मैं हूँ प्राची। जी हाँ, प्राची करके एक जगह है जहाँ पे मैं अभी स्नान करने आया हूँ नदी में। ये नदी है पीछे, आप देख सकते हो। और इसके बारे जो हिस्टोरिकल पॉइंट है वो आपको मैं बताता हूँ। प्राची एक्चुअली में यहाँ का एक बहुत अच्छा नारा है, 100 बार काशी 1 बार प्राची। जी हाँ, 100 बार काशी 1 बार प्राची इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जब महाभारत युद्ध हुआ था तो पांडव लोगों ने यहाँ पे आए थे, क्योंकि जब महाभारत युद्ध में जब कौरव लोग का जब हार हो गया, पांडव लोग विजय हुए, तो अपने पूर्वजों के मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पे आए। और ये पीछे जो बरगद का झाड़ देख रहे हो आप मेरे पीछे, जस्ट पीछे, ये वही बरगद का झाड़ है जो पांडवों ने अपने हाथों से लगाया हुआ है। और आज भी यहाँ पे बहुत मान्यता है, लोग आते हैं यहाँ पे दूर दूर से स्नान करने और यहाँ पे अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए पानी चढ़ाने के लिए। तो ऐसा कहना है कि एक बार आई यहाँ पे आपको लाइफ टाइम कभी और आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये वो द्वार है, वो स्थान है जहाँ पे पांडव लोग खुद आए थे। भगवान कृष्ण की मोक्ष प्राप्ति यहीं से हुआ था, क्योंकि द्वारकाधीश नगरी यहाँ से 200 किलोमीटर आगे है। तो ये आसपास के जो एरिया है वो बहुत ही दर्शनीय और विश्व प्रख्यात एरिया है। तो आप लोग यहाँ पे आइए और दर्शन करिए। मैं तो आया हूँ, मैं भी नहा लेता हूँ, स्नान कर लेता हूँ और सारे चीज़ आपको दिखाऊँगा। सो गाइस, हमारा नहाना हो गया है, नहा लिए हम इस नदी में और अभी दर्शन करेंगे। इधर ऊपर वृक्ष है तो वहाँ भी तर्पण कर लेते हैं, आए हैं तो, और हमारे पूर्वजों को एक शांति प्रदान हो पाए और अच्छे से मोक्ष की प्राप्ति हो पाए। वो गाइस, हमारा पूर्वजों का जो मंदिर है वहाँ पे दर्शन हो गया और जल भी चढ़ा दिए हैं पूर्वजों को शांति के लिए। लोग यहाँ पे आते हैं, आप देख सकते हो ये पंडित जी बैठे हुए। सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से थोड़ा हर चीज़ बता दूँगा मैं, मेरे साथ बने रहेगा और ऐसे ही आशीर्वाद प्राप्त करें। थैंक यू सो मच।